नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अलग तरीके की पापड़ की रेसिपी। तो आज बना के दिखाऊंगी शकरकंदी से पापड़। फ्रेंड्स, शकरकंदी के पापड़ बनाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी सबसे आसान तरीका है। आप जब चाहे शकरकंदी का पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको सुखाने में भी आपको धूप है या नहीं है कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से शकरकंदी ले लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा वजनदार होता है, तो एक ही ये 1/2 kg का है। देख पा रहे हैं, आज इससे ही बना के दिखाती हूँ आपको पापड़। तो सबसे पहले हमें शकरकंदी को अच्छे से धो के साफ करना है। इसके ऊपर मिट्टी लगा होता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो शकरकंदी के पापड़ को व्रत में भी खा सकते हैं, और चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है इसका पापड़ खाने में। देखिए इसका पानी कितना गंदा हो गया। तो इसे अच्छे से साफ करके धो के लेके आती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। अच्छे से धुल के साफ कर ली हूँ। अब इसका जो आगे पीछे का भाग है उसे थोड़ा सा कट कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो छोटा सा घंटी है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हर रोज़ मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादातर हमारा वीडियो पापड़, चिप्स, नमकीन, मठरी, इसी सब टाइप का होता है। तो आप भी घर में तरह तरह के नमकीन बना के रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे शकरकंदी को इसी तरीके से हमें छील के साफ करना है, और आप देख पा रहे हैं शकरकंदी का छिलका हटते ही ये काला काला सा होने लगता है। आज का पापड़ थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी। ऐसे शकरकंदी के पापड़ तो पहले भी बहुत सारा मैं वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। यहाँ पर देखिए हल्का सा इस टाइप का दबा हुआ है, तो इसे हमें काट के हटा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शकरकंदी को अच्छे से छीलने के बाद इसे हमें तुरंत ही पानी में डालना होगा। इसका रंग देखिए कैसे काला काला सा होने लगा है। पापड़ स्वादिष्ट बहुत होता है, लेकिन शकरकंदी का पापड़ है तो इसका कलर हल्का सा ऐसा ही होगा। अब पानी के अंदर हमें डालना होगा थोड़ा सा फिटकरी। आपके पास यदि है फिटकरी तो आप डाल ले, नहीं है तो आप बिना फिटकरी का ही बना सकते हैं। 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें, जिससे कि ये जो शकरकंदी है थोड़ा हल्का सा सफ़ेद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, फिटकरी डालते ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। फिटकरी के पानी में हमें 5 से 10 मिनट तक इसे डीप करके इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद इसे फिर से साफ पानी से धुल के साफ करना है। तो चलिए 10 मिनट इसे छोड़ देती हूँ इसी में डिप करके, उसके बाद इसे दूसरे पानी से थोड़ा सा साफ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर शकरकंदी को वापस से 2 से 3 बार धो के साफ पानी से और साफ कर ली हूँ। अब हमारा शकरकंदी बिल्कुल तैयार है। अब क्या करना है कि इसका हमें छोटे छोटे से टुकड़े काट लेना है, क्योंकि शकरकंदी बहुत ज़्यादा मोटा है, आप देख पा रहे हैं। आपको बताती हूँ कि आप एक और तरीका से बना सकते हैं इसका पापड़, तो मैं दोनों ही तरीका आपको वीडियो में ही बताती जाऊँगी। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो इसे काटने के लिए हमें बड़े वाले चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए शकरकंदी हमारा इस तरीके से, और एक बार इसका टुकड़ा और करना है। मैं आपको बताती हूँ कि इतना सारा टुकड़ा क्यों कर रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो शकरकंदी है बिल्कुल देसी वाला है, तो ये बहुत ज्यादा कड़ा जैसा है। और जो पतला पतला वाला शकरकंदी होता है, इससे जो पतला होता है, यदि वो वाले शकरकंदी आपके पास हैं तो उसे आपको काटने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही उसका पापड़ जो है बना सकते हैं। देखिए, तो चार टुकड़ा हमें शकरकंदी को करना है, बहुत ज्यादा टुकड़ा नहीं करना है। देखिए, चार टुकड़ा हो चुका है और इसका ही ढेर सारा पापड़ बनेगा, क्योंकि ये काफी टाइट होता है, वजनदार होता है। अभी क्या करना है कि शकरकंदी को हमें डालना है पानी के अंदर। आप पहली बार यदि शकरकंदी के पापड़ बनाने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो को देख के समझ के फिर आप पापड़ बनाइएगा, आपका पापड़ बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। इसमें से थोड़ा सा पानी हमें कम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी इसमें डालूंगी तो इसका जो स्वाद है वो फीका फीका सा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 1 कप 1.5 कप के करीब पानी है पड़ा हुआ। ये जरूरत नहीं है कि शकरकंदी पूरा पानी के अंदर भीगा ही होना चाहिए, थोड़ा सा ये जो है दिखते भी रहेगा, फिर भी ये पकेगा। तो चलिए, इसमें लगा देना है ढक्कन। सबसे पहले इसमें ढक्कन लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, ढक्कन लगाती हूँ। और इसके बाद हमें चढ़ाना है चूल्हे पर। तो इसे चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ और चूल्हे पर डालने के बाद इतना देर उबालिएगा, जब आप इसे थोड़ा सा टच करके देखिएगा ना कोई चम्मच वगैरह से, तो आपको लगे कि हाँ ये पक चुका है। जैसे हम लोग आलू उबालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें शकरकंदी को भी उबालना है। इसका पापड़ बहुत तरह से बनाया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि दूसरा तरीका क्या है, तो यदि आपके पास पतला पतला वाला शकरकंदी एक होता है ना, स्वीट पोटैटो, लंबा लंबा भी मिलता है और थोड़ा सा पतला पतला, और ये देसी वाला है तो ये बहुत ज़्यादा वजनदार और मोटे मोटे से थे। तो मैं इसके इसका जो छिलका है हटाई हूँ, क्योंकि ये मोटा था, तो इसके लिए इसका छिलका हटा के और टुकड़ा में कट करके डाली हूँ उबालने के लिए। इससे क्या होगा कि ये जल्दी उबल जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। और यदि पतला वाला आपके पास है स्वीट पोटैटो, तो आप उसका छिलका भी ना उतारे और ना ही उसका टुकड़ा कट करें। बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप 2 टुकड़ा कर सकते हैं आप अपने बर्तन के अनुसार से, और उसे उबाल सकते हैं। तो चलिए, उबलता है फिर मैं आपको बताती हूँ इसका पापड़ बनाने का तरीका, जिससे एक भी पापड़ आपका ना ही टूटेगा ना ही फटेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर शकरकंदी को उबालते हुए 10 मिनट के करीब हुआ होगा। अब शकरकंदी के ऊपर है कि आप मोटे वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, पतले वाले उबाल रहे हैं, तो देख के उबालिएगा। यदि आप कुकर में उबालिएगा तो 1 सीटी आने तक उबालना है इसे। तो देखिए, इस तरीके से चाकू से चेक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देख पा रहे हैं। गीला नहीं करना है, गीला करेंगे तो फिर इसका पापड़ कैसे बनेगा। तो अभी कर देना है गैस को बंद और इसे उतार लेना है चूल्हे से नीचे। कुकर में उबालेंगे तो 1 सीटी ही उबालिएगा, नहीं तो एकदम ये हलवा हलवा सा बन जाएगा। पानी से छान के और किसी बर्तन में आप इसे निकालें, जिससे ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं इंतज़ार में रहूँगी अपने नए नए दोस्तों का, तो आप लोग भी अपने दोस्ती में हमें शामिल ज़रूर कीजिएगा। अब अच्छे से इसे ठंडा कीजिए, जब तक अच्छे से ठंडा नहीं होगा तब तक आप इसका पापड़ बढ़िया वाला जो स्वादिष्ट है वो नहीं बना पाइएगा। व्रत के लिए बनाएंगे तो इसमें व्रत वाले मसाले डालूंगे, और यदि आप ऐसे रोज के खाने के लिए बनाएंगे तो रोज वाले मसाले आपको बताऊंगे क्या क्या डालना है। तो चलिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। अब क्या करना है, इसको हमें मैश करना है। तो आप डायरेक्ट दबा दबा के मैश नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें गुठली रह ही जाएगा, कितना भी अच्छे से आप मैश करें। सबसे अच्छा इससे होता है, जो पतला वाला ग्रेटर होता है ना, जिससे हम लोग अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं, उस पर आप इस तरीके से इसे कद्दूकस करें। और देखिए, आप देख के समझ गए होंगे कि जो शकरकंदी है उसे किस तरीके से उबालना है। उबाल के एकदम गीला कीजिएगा तो फिर इसका पापड़ अच्छा नहीं बनेगा, बनेगा सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जब आप कद्दूकस करेंगे तो कद्दूकस भी करने में इधर उधर से टूटते रहेगा। इसी तरीके से हमें सारे शकरकंदी को कद्दूकस कर लेना है, और इसमें जो मोटा मोटा सा टुकड़ा चला जाएगा उसे भी हटा देना है अच्छे से। तो चलिए,
कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हर तरह के पापड़ की रेसिपी मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, मेरी सहेली पापड़ रेसिपी सर्च कीजिएगा। बस इतना ही सर्च करते ही आपको बहुत सारे वीडियो सामने दिखेंगे। आपको जो भी पापड़ बनाने हैं आप बना सकते हैं हमारे वीडियो को देख के। और फ्रेंड्स, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो या समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कभी कोई काम में रह जाऊँ बिजी, तो आपका कमेंट्स देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो रिप्लाई जरूर देती हूँ। अब देखिए, इस तरीके से शकरकंदी को चिपचिपा करना है गूंथ के। और दूसरा तरीका क्या है कि आप जब शकरकंदी उबाल रहे हैं तो उसके साथ ही आप आलू भी उबाल लें। आलू और शकरकंदी दोनों को मिक्स करके और पापड़ बनाएं। जो कोई आलू नहीं खाते हैं उनके लिए सिर्फ आप शकरकंदी से पापड़ बना सकते हैं। और शकरकंदी के पापड़ बनाने का तीसरा तरीका जो है वो भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगी उसका वीडियो। वो तरीका तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चिपचिपा कीजिएगा तभी आप इसका पापड़ बना पाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो शकरकंदी है बहुत अच्छे से गूंथ चुका है, देख पा रहे हैं। अब इसमें डालना है हमें मसाले। तो चलिए मसाले डाल के आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर जाएगा। तो आप व्रत के लिए बनाएंगे, पापड़ को रखेंगे स्टोर करके, तो आप व्रत वाला नमक डाल सकते हैं। इस तरीके से मिल जाता है पैकेट में, तो आप व्रत वाला नमक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यदि प्लेन आपको बनाने हैं सब दिन के लिए तो आप इसमें जो नॉर्मल नमक है वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ क्योंकि पापड़ सूखने के बाद जो है ना कम हो जाता है। और साथ में इसमें हमें डालना है थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डाल रही हूँ क्योंकि एक ही शकरकंदी हमारा था, इसके लिए हमारे पास अभी एक ही बचा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, लाल मिर्ची इसमें डालना है। लाल मिर्ची से कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसमें हल्दी नहीं डालना है, यदि आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हल्दी नहीं डालिएगा। हल्दी बोलते हैं कि व्रत में नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे सेंधा नमक भी नहीं व्रत में खाया जाता है बिहार में। देखिए अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालना है। सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इससे थोड़ा इसका कलर भी चेंज होगा और पापड़ हमारा स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है पापड़ का शकरकंदी बहुत अच्छे से गूंथ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको पापड़ बना के और दिखा देती हूँ। पापड़ बनाने के लिए इसका छोटा छोटा सा आप इस तरीके से लोई तोड़ ले, बड़ा छोटा जैसा आप पापड़ बनाना चाहते हैं छोटा छोटा सा ले ले एक साइज का। और सारे को गोल मटोल कर लेना है। देखिए तो चलिए बना के झटपट दिखाती हूँ। पापड़ बनाने के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिएगा और पॉलीथीन पर हल्का सा आपको तेल जरूर लगाना है। और एक पॉलीथीन का टुकड़ा लेना है जिससे कि आप पापड़ को दबा सके। दोनों को इस तरीके से कर दें तो दोनों में लग जाएगा तेल। बस हल्का सा लगाइए। और चलिए एक को हटा लेना है और इस पर आपको एक पापड़ बना के दिखा देती हूँ। आप इसी तरीके से सारे पापड़ बना लीजिएगा और इसके ऊपर से आप चकले से या कोई भी इस टाइप का बर्तन से प्लेट से दबा दीजिए। जैसे हम लोग आलू का पापड़ बनाते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी पापड़ बनेगा और खाने में भी वैसा ही स्वाद का ये होता है। लेकिन ये थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्टी। इसी तरीके से आपको सारे पापड़ बना के और तैयार कर लेने हैं। जहाँ पर सुखाना है पॉलीथीन रखें और वहीं पर डायरेक्ट पापड़ बना लें। देखिए हल्का सा प्रेस करते जाए और पापड़ बनता चला जाएगा। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आपको सारे पापड़ बनाने हैं। देखिए तो चलिए सारे पापड़ बना के सुखा के फिर आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, पापड़ सूख के तैयार है। धूप है तो धूप में पापड़ को सुखाइएगा तो बहुत अच्छा से इसका कलर थोड़ा और सफेद सफेद सा बनेगा। और यदि कम धूप है तो पापड़ का कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो जाएगा। और इसमें लाल मिर्ची डाला हुआ इसके वजह से ऐसा पापड़ हमारा बनके तैयार हुआ है। पापड़ सूख चुका है। अब चलिए पापड़ फ्राई करके आपको दिखाती हूँ फ्राई करने के बाद ये कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल को डाल दी थी गर्म होने के लिए। अब इसमें डालना है हमें पापड़। बहुत ही ज्यादा अच्छा चटपटा स्वादिष्ट पापड़ बनता है। तो आप एकदम बेधड़क
शकरकंदी का पापड़ बनाए जैसे जैसे मैं बताई हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाए। देखिए फ्रेंड्स है ना, बहुत ही सुंदर पापड़ बनता है, खाने में काफी टेस्टी। जो कोई आलू नहीं खाते उनको शकरकंदी के पापड़ बना के जरूर खिलाए, चाहे खाए ऐसे चाहे खाए व्रत में। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।